Hello, students. So today I am going to take up a new topic of ICSC syllabus. Uh, basically, this poem is Haunted Houses by H.W. Longfellow.

यूनिक इन इट्स कॉन्टेक्स्ट एज इट डील्स विद दी घोष्ट एंड फैथम्स जो स्पिरिट्स हैं उनसे ये डील करती है एंड इट इज सरप्राइजिंग टू नो हाउ एवर दैट दे आर नॉट हार्मफुल वो हमें हार्मफुल नहीं कर वो जो घोस्ट हैं वो हमें किसी भी तरह से दे आर नॉट डिपिक्टेड एज लोथसम हेटफुल क्रीचर्स वो किसी भी तरह से हमें हर्ट नहीं करते हैं इंस्टेड दे आर हार्मलेस एंड माइंड देयर ओन बिजनेस वो अपने काम से काम रखते हैं जो घोस्ट हैं वो दूसरों की लाइफ में कोई इंटरफेरेंस नहीं करते हैं द पोए सीम्स टू इट ब्लेंड

हॉन्टेड का मतलब होता है जहाँ पे अक्सर ghost आते रहते हैं फैथम्स मीन्स घोस्ट या स्पिरिट्स एंड इराड्स का मतलब होता है टास्क कोई भी वर्क कोई भी टास्क ग्लाइड का मतलब होता है टू मूव लाइटली वेरी smoothly एंड लाइटली धीरे धीरे मूव करना या लाइटली मूव करने को ग्लाइड कहते हैं

फाइनली उनको मर जाते हैं ही सेज दैट ऑल दीज हाउसेज आर वॉन्टेड बाई घोस्ट ऑलमोस्ट हर घर यही कहानी है तो ऑल दीज हाउसेज आर वॉन्टेड बाई घोस्ट दीज घोस्ट एंटर थ्रू द डोर्स वेन दे रिमेन ओपन जब दरवाजे खुलते हैं वह घोस्ट एंटर कर देते हैं दे मूव सो लाइटली एंड सो स्मूदली दैट दे डू नॉट मेक एनी नॉइज बहुत ही स्मूदली मूव करते हैं ग्लाइड करते हैं कि कोई आवाज़ ही नहीं होती है बट दे आर हार्मलेस घोस्ट हु रोम अबाउट वो पूरे घर में टहलते हैं बाई डूइंग their वर्क दे डू their वर्क बट दे डू नॉट डिस्टर्ब यू हमें डिस्टर्ब नहीं करते हैं किसी भी तरह से सो हियर वी कैन से द टर्म हाउसेज इज अ मेटफर फॉर अर बॉडी लाइव एंड बींग हॉन्टेड ये जो बींग हॉन्टेड है इट इंडिकेट्स द इंफ्लुंस लेफ बाई दीपल वी एनकाउंटर जिनसे हम अक्सर मिलते रहते हैं जस्ट एज एवरी हाउस हैज इट्स हिस्ट्री हर घर की एक कहानी होती है हर घर की एक हिस्ट्री होती है इन द सिमलर मैनर एवरी पर्सन कैरीज द मेमरीज एंड इम्पैक्ट्स ऑफ

फेल्ट फिजिकली जिसको हम छू नहीं सकते हैं जिसको हम फील नहीं कर सकते फिजिकली राइट सो ही एड्स दैट दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर ये जो भूत होते हैं ये जो स्पिरट्स होते हैं हर जगह प्रेजेंट होते हैं ऐट द डोर ऑन द स्टेयर्स दे मूव हर जगह मूव करते हैं दे मूव थ्रू द पैसेज दे मूव थ्रू द स्टेयर्स बट दे के नॉट बी टचड हम उनको टच नहीं कर सकते हैं और फील वी के नॉट फील दैम ऑल्सो बट स्टिल देर इम्प्रेशंस रिमेन इन द ए एयर हवा में वो फिर भी रहते हैं हम लोग छू नहीं सकते हम उनको टच नहीं कर सकते लेकिन फिर भी वो हवा में रहते हैं वन केन फील द मूवमेंट ऑफ समथिंग इन द एयर कुछ एहसास हो सकता है लेकिन फिर भी वी के नॉट टच दैम वी दे आर वेरी वेरी डिफरेंट सो नेक्स्ट आंसर There are more guests at the table than the host invited. The illuminated hall is thronged with quiet, inoffensive ghosts, as silent as the pictures on the wall. Illuminated means lighted, thronged means crowded, inoffensive means harmless.

The hall is well lit, illuminated, and is full of harmless ghosts who are silent. Jitne ghost hai, they are not going to harm you in any way. The poet compares them to the painting on the wall to say that the ghosts are quite uh, in a similar manner. Jaise shant paintings hain, say ghost bhi bilkul shant hain. So here the ghosts have been compared to the पेंटिंग्स यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है घोस्ट को पेंटिंग्स ऑन द वॉल से बाई सेट एज पिक्चर्स ऑन वॉल सो यहाँ पे सिमिली यूज हुई है नेक्स्ट दिस स्ट्रेंजर एट माय फायर साइड कैन नॉट सी फॉर्म्स आई सी नॉर हियर द साउंड्स आई हियर बट ही बट परसीव्स वॉट इज वाइल ऑन टू मी All that has been is visible and clear. Forms means shapes. Perceives means see. So here we will see that the poet says, poet is saying that there is a stranger who is sitting next to him by the fireplace. वो बोलता है, अरे वहाँ पे तो देखो एक स्ट्रेंजर है जो कि fireplace पे, जहाँ पे आग जलाई जाती है, वहाँ पे एक स्ट्रेंजर बैठा है. That person cannot see. दीज घोसली फम्स नो कैन हेयर दी साउंड किसी को और सुनाई नहीं दे रहा है ना कोई घोस्ट को देख पा रहा है दैट द पोएट कैन एक्चुअली हियर पोएट हैज सम काइंड ऑफ इनबॉर्न एबिलिटी यहाँ पे बोल रहे हैं द स्ट्रेंजर कैन ओनली सी द लिविंग और द्यूमन्स फॉर्म जो प्रेजेंट हैं वाइल द पोएट कैन सी एवरी थिंग फ्रॉम द पास्ट टिल द डेट सब कुछ उसको दिखाई दे रहा है भूत भी दिखाई दे रहा है स्पिरिट्स भी दिखाई दे रहा है सो हेयर वी गेट एन इंक्लिनेशन हमें एक इंडिकेशन मिल रहा है दैट पर हैप्स जो पोएट है या जो दो स्पीकर है इज़ अ घोस्ट ही हिमसेल्फ इज अ घोस्ट बिकॉज यी कैन सी अदर घोस्ट वाई जो स्ट्रेंजर है जो कि बैठे हुए हैं नेक्स्ट टू हेम ही इज़ अमूमन एंड दिस इज अ रीज़न वो बाकी घोस्ट को देख नहीं पा रहा है सो so यहाँ पे लॉन्ग फेलो हैज़ यूज द टेक्निक ऑफ अड्रेसिंग द मैन

कांट सी घोस्ट ह्यूमन्स घोस्ट नहीं देख सकते हैं बट इट सीम्स दैट द पोएट हैज द स्किल टू डू सो उसके पास कोई एक इनबॉर्न नेचुरल टैलेंट है या वो खुद एक घोस्ट है वी हैव नो टाइटल डीट्स टू हाउस और लैंड्स ओनर्स एंड ऑक्यूपेंट ऑफ अर्लियर डेट्स फ्रॉम ग्रेव्स फो गॉट स्ट्रेच देयर डस्टी हैंड्स एंड होल्ड इन मोटमिन स्टिल देर ओल्ड ई स्टेक्स सो टाइटल मीन्स डीट्स ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट्स ऑफ ओनरशिप ओनरशिप के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको बोलते हैं स्ट्रेच का मतलब होता है स्प्रेड करना एंड होल्ड इन मॉटमिन का मतलब होता है होल्ड इन पोजेशन हक जताना जो होता है उसको बोला जाता है सो द घोज डू नॉट ओन दाउसेज एट प्रेजेंट बट दे ओन्ड देम इन द पास्ट पहले में तो घोष्ट के ही वो मकान हुआ करते थे वो ही तो उस घर के ओनर्स होते थे वेन दे व अलाइफ तो वो घर किसके थे घोस्ट के थे बट नाउ दे आर नो लॉन्गर लाइफ दे आर बर्ड इन द ग्रेव्स एंड हैव बिन फोगॉटन सब भूल चुके हैं उनको उनके जो डिसेंडेंट्स हैं उनके जो आगे वाली जनरेशन है वो अपने पूर्वजों को सब भूल चुकी है लेकिन जिनका एक्चुअली में घर था जिनका एक्चुअली में वो लैंड थी आज भी वो जिंदा है इन अनादर वर्ल्ड दे फॉर्म दीज ग्रेव्स दे स्ट्रेच आउट देर हैंड्स वो अपने हाथ स्ट्रेच आउट कर रहे हैं विच आर फुल ऑफ डस्ट वेयर दे लाइक क्योंकि ग्रेव्स तो सब डस्ट हैं ना सो दे आर स्ट्रेचिंग आउट देयर हैंड्स देर डस्टी हैंड स्टिल वॉन्ट टू टेक ओवर द पोजेस वो पोजेसन लेना चाहते हैं और दे वॉन्ट टू पोजेस दिज हाउसेज ये जो प्रॉपर्टीज हैं वो आज भी पोजेस करना चाहते हैं विच दे यूज टू ओन वंस जो तो एक समय में वो ओन करते थे एंड दे वॉन्ट टू पोजेस दैम एंड डू नॉट वॉन्ट टू गिव अवे वो उनको देना नहीं चाहते हैं अपने डिसेंडेंट्स को अपने जो आगे की जनरेशन उनको देना नहीं चाहते हैं दे वॉन्ट टू अभी भी अपना होल्ड बना के रखना चाहते हैं नेक्स्ट द स्पिरिट वर्ल्ड अराउंड दिस वर्ल्ड ऑफ सेंस फ्लोट्स लाइक इन एटमोसफेयर एंड एवरीवेयर वैफ्थ थ्रू दीज अर्थली मिस्ट एंड वेपर्स डेंस a vital breath of more ethereal air the world of sense means the real world that can be felt by senses wafts ka matlab hota hai which passes lightly jo dheere se nikal jaye vital means important and ethereal air means otherworldly uh, atmosphere ek alag duniya aur जो ghost की दुनिया होती है ये उसको depict करता है so, इसका मतलब क्या है कि there एग्जिस्ट a world of लिविंग्स हम लोग का ह्यूमन्स का एक वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है बट दिस वर्ल्ड इज सराउंडेड बाई अ वर्ल्ड ऑफ डेड हमारी दुनिया जो है वो स्पिरिट से सराउंडेड है वर्ल्ड ऑफ डेड और घोष से सराउंडेड है दिस वर्ल्ड ऑफ घोस्ट इज सिमिलर क्वाइट सिमिलर टू दि एटमोस्फेयर जैसे हमारे वर्ल्ड को पूरा एटमोसफेयर ने सराउंड कर रखा है वैसे ही पूरी दुनिया जो ह्यूमंस की दुनिया है वो भी घोस्ट ने सराउंड किया है एंड जस्ट लाइक एटमोसफेयर इज प्रिवलेंट एवरीवेयर इन द सिमिलर मैने दिस घोस्ट आर प्रेजेंट एवरीवेयर द वर्ल्ड ऑफ द डेड मिंगल वेरी लाइटली विद द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग्स थ्रू मिस्ट एंड डेंस वेपर्स तो जैसे डेंस वेपर और मिस्ट एयर में मिक्सड है इन द सिमिलर मैनर हमारी दुनिया और जो डेड की दुनिया है वो आपस में इंटरमिंगल्ड है बिल्कुल अलग नहीं है दिस वर्ल्ड ऑफ डेड इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्डली एटमोसफेयर जैसे हमारे लिए एटमोसफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है हम उसके बिना नहीं रह सकते हैं वैसे ही उनकी जो दुनिया है मतलब अर्थ इज सराउंडेड बाय लिविंग बींग्स एंड लिविंग बींग्स और जो जो मरे हुए लोग हैं उनका जो वर्ल्ड है वो पूरा आपस में इंटरमिंगल्ड है कोई सेपरेशन नहीं है सब आपस में ही मिक्स एंड मैच है सब मिल मिल के रहते हैं जैसे एटमॉस्फेयर हमारे वर्ल्ड को सराउंड किया हुआ है वैसे डेड पीपल के वर्ल्ड ने भी हमारी पूरे वर्ल्ड को ह्यूमन बींग्स को हर तरफ से सराउंड किया हुआ है आर लिटल लाइव्स आर केप्ट इन इक्वीपॉइज बाय Opposite attractions and desires, the struggle of the instinct that enjoys and the more noble instinct that aspires. Equipoise means balance, aspires means desires, instinct means natural reaction, and noble means good, yeah, virtuous. Right? So, here we will see that there is a balance. इस स्टैंडा में हम देखेंगे द देर इज़ अ बैलेंस इन आवर लाइफ बिटवीन द डिज़ायर्स हम लोग बहुत कुछ इच्छा होती हैं बिटवीन द डिज़ायर टू इंजॉय लाइफ एंड द मोर वर्चुअस डिज़ायर्स अच्छी डिज़ायर्स टू अचीव दैम वर्चुअल मीन्स फिल्ड विद गुड क्वालिटीज टू अचीव दैम सो so, एक डेलिमा हमारे अंदर डेवलप हो जाता है सो दिस डेवलप्स अ डेलिमा डेलिमा मीन्स नॉट श्योर क्या करें क्या ना करें एज एंड दिस मेंटेन्स अ बैलेंस इन ह्यूमन लाइफ एज अपोज टू द प्रिवियस टैंडा दिस वन इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ह्यूमस पहला वाला जो था वो स्पिरिट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से था बट दिस स्टैंडा इज रेफरेंस टू द ह्यूमन्स यहाँ पे जो पोएटें ही टेल्स अबाउट ह्यूमन नेचर he says that our lives is kept in constant strive hamesha ladte rehte hain between desires and attractions hamesha hamare andar constant ho rehta hai between desires and attractions so our little lives are kept in equipoise dekhi yahan pe little bola gaya hai so our yahan pe ghost ko represent kar rahe hain जो lives हैं वो little हैं Why? Because soul की जो life है वो तो बहुत लंबी होती है जो हम लोग की humans की life है बहुत little है small है सो आर लिटिल लाइफ आर कैप्टन इक्यू पॉइस एक बैलेंस में रहती है घोष्ट यहाँ पे कह रहे हैं घोस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि हमारी जो लाइफ है वो बहुत बैलेंसड रहती है कैसे बाय ऑपोजिट अट्रैक्शंस एंड डिजायर्स भाई जाहिर सी बात है जब हमारी लाइफ में अट्रैक्शंस भी हैं डिज़ायर्स हम ये भी करना चाहते हैं वो भी करना चाहते हैं हमें अट्रैक्शंस भी आ रहे हैं इसमें जैसे आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है कि यू वॉन्ट टू प्ले अ मैच आपको गेम खेलना चाहो या कुछ खेलना चाहो तो यू वॉन्ट टू प्ले मोर लेकिन आपको नहीं नहीं मुझे पढ़ाई भी करनी है तो ये हमें बैलेंस बनाता है अगर हम उसी की तरफ चले जाएंगे तो वो प्रॉब्लम होगा इधर ही चले जाएंगे तो ये प्रॉब्लम होगा सो दिस थिंग एक्चुअली क्रिएट्स अ बैलेंस इन आवर लाइफ

टेंड टू गिव इन टू टेम्पटेशन लालच में हम आ जाते हैं बट स्पिरिट्स हैव नो रीजन और इंटरेस्ट इन सच काइंड ऑफ टेम्पटेशन उनको ये लालच उनको इस तरह की घ्रीड से कोई फर्क नहीं पड़ता है सो दे आर फार अवे फ्रॉम इट सो यहाँ पर हम देखेंगे जो पोएट हैं वो स्पिरिट्स को ह्यूमन से ज़्यादा बेटर कंपेयर कर रहे हैं बेटर समझ रहे हैं दिज पर्टेश दिस परपैचुअल जार

परपैचुअल जाड़ परपैचुअल जाड़ का मतलब होता है इमोटल सोल इमोटल मतलब जो कभी मर नहीं सकता जो अमर है एस्परेशंस का मतलब होता है एम या एम्बिशन

एक्सपेक्ट करते हैं हर ह्यूमन माइंड एंड थाट प्रोसेस इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय अ मिस्टीरियस स्टार एंड अनोन प्लानट इन द स्काई वो यही बोल रहे हैं कि शायद कोई एक स्टार है जो हम लोग को कंट्रोल करता है या कोई प्लानट है सो द पोएट इनफैक्ट फर्दर गोज ऑन टू गिव द रीज़न वाई ह्यूमन्स हैव सच डिमांड्स इन देयर लाइव हमेशा क्यों ह्यूमस हमेशा डिमांड ही करते रहते हैं क्यों हमेशा uh, uh, हमेशा चाहिए रहता है ह्यूमंस को ही कंपेयर्स देर ग्रीड टू अ परपेचुअल जार फुल ऑफ अर्थली प्लेजर्स एंड फेम हमेशा हमें एक ऐसा लाइफ uh, चाहिए जो जिसमें हमेशा प्लेजर्स हों फेम हों एंड द रीजन ही गिव्स फॉर सच वांट इज दैट इट इज़ द इन्फ्लुएंस ऑफ एन

सो द डिजायर टू इंजॉय लाइफ एंड द इंस्टिंक्ट ऑफ अचीविंग हम लोग जो डिज़ायर है लाइफ को इंजॉय करने का और जो इंस्टिंक्ट है हमारे एम्बिशंस को अचीव करने का आर टू अपोजिट विशेज ये दो अपोजिट चीजें हैं जिसकी वजह से हमारे लाइफ में एक बैलेंस मेंटेन रहता है विच क्रिएट्स अ बैलेंस इन आवर लाइफ सो अगर हम ये पूछें कि वॉट इज डिटमाइंड बाई एन अनसिन प्लानट इन द स्काई सो इसका आंसर हम ये दे सकते हैं इट गिव्स अस एन आइडिया एंड इमेजिनेशन विच ट्रिगर्स आर एक्शंस ईदर टू वर्ड्स इंजॉयमेंट और वी कैन से दैट ईदर टू आर अचीवमेंट्स सो दिस इज द बेसिक आंसर आई होप आप लोग को ये समझ में आया हो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आंसर एज द मून फ्रॉम सम डार्क गेट ऑफ क्लाउड फ्रोज ओवर द सी A floating bridge of light across whose trembling planks are fancies crowd into the realm of mystery and night. So, planks means flat piece of wood, fancies means imagination, realm means region. So, in this stanza, we will see that the moonlight which travels from the moon to earth is like a bridge. कंपेयर किया है इट लाइक अ ब्रिज ऑफ लाइट इट ट्रेम्बल्स इन दी एयर एंड एट नाइट्स एयर में भी ट्रेम्बल करती है रात में भी ट्रेवल ट्रेंबल करती है ड्यूरिंग आर ड्रीम्स इट गिव्स अस इमेजिनेशन जब हम सोते हैं तो हमारे सपनों में बहुत अच्छे अच्छे ड्रीम्स आते हैं इमेजिनेशनस आते हैं एंड दीज आर द गाइडिंग फैक्टर्स ऑफ आर एक्शन हमें यही सब कुछ एक्शन गाइड करते हैं हमारे एक्शंस को गाइड करते हैं सो द मून लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम द स्काई ओवर द सी एंड रीचेज द लिविंग वर्ल्ड कहाँ से ट्रैवल करती है स्काई से करती है एंड सी से करती है और फिर लिविंग वर्ल्ड से करती है सो ब्रिज इस फॉर्मड एक तरह का ब्रिज फॉर्म होता है राइट right? सो so, अगर हमसे ये पूछा जाए दैट वॉट इज द फंक्शन ऑफ दिस ब्रिज इस ब्रिज का क्या फंक्शन है वॉट वाई इज दिस ब्रिज फॉर्म्ड क्यों ये ब्रिज फॉर्म्ड होता है सो दिस ब्रिज एक्चुअली कनेक्ट्स द टू वर्ल्ड्स ये कैसे वर्ल्ड को कनेक्ट करता है द डेड एंड द लिविंग मरे हुए और जिंदा लोगों को ये कनेक्ट करता है ये जो ब्रिज ऑफ लाइट है ये कनेक्ट करता है सो so, यहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है आप बता पाएंगे पसोनिफिकेशन सो फर्स्ट टू लाइंस में यहाँ पे पसोनिफिकेशन यूज हुआ है सो फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ स्पिरिट्स दे अ ब्रिज ऑफ लाइट कनेक्टिंग इट विद दिस ओवर हुज अनस्टडी फ्लोर दैट स्वेज एंड बेंड्स का मतलब होता है नीचे आना, धीरे धीरे नीचे आना अनस्टेडी का मतलब होता है मूविंग, नॉट ऐसे-ऐसे मूव करना। स्वेस का मतलब होता है टू मूव फ्रॉम साइड टू साइड या एप्स का मतलब होता है बॉटमलेस होल और स्पेस इन दिसन लाइट इज अ कनेक्शन बिटवीन द वर्ल्ड ऑफ स्पिरिट एंड द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ये मूनलाइट ही कनेक्ट करती है बाकी वहाँ से यहाँ तक कोई कनेक्शन नहीं है सो द ब्रिज एक्चुअली ट्रेम्बल्स एंड इट वेवर्स अलोंग विद इट एंड आर थाट्स ऑल्सो ट्रेवल इन टू मिस्टीरियस रीजन्स उसी के थ्रू हमारे थाट्स डिफरेंट रीजन्स में जाते हैं दीज ग्रेट मिस्टीरियस थाट्स एंड आइडियाज कम टू आर माइंड हमारे दिमाग में कब आते हैं इन द फॉर्म ऑफ ड्रीम्स ड्रीम्स के फॉर्म में ये सारे मिस्टीरियस थाट्स आते हैं मिस्टीरियस आइडियाज आते हैं और ये क्या करते हैं द गाइड टू वर्ड्स आर एक्शंस हमारे एक्शंस के लिए हमें गाइड करते हैं हमारे डीट्स के लिए हमें गाइड करते हैं सो so, हम ये कह सकते हैं द द लास्ट एंस ऑफ द पोएम सेज दैट ऑन दिस ब्रिज ऑफ लाइट ये जो ब्रिज है ये जो लाइट का ब्रिज है द वर्ल्ड ऑफ स्पिरिट्स कनेक्ट यहाँ पे स्पिरिट्स के जो वर्ल्ड हैं वो कनेक्ट करते हैं एंड दिस इज वेयर आर थॉट वी डिसमल एबिस सो हियर वी कैन से पोएट परसोनिफाइज द ब्रिज एज एन अनस्टडी फ्लोर दैट स्वेज एंड बेंड्स वो कभी मूव करता है कभी ऐसे ऐसे मूवमेंट होता है सो द पोएट हैज़ कनेक्टेड दर्चुअल वर्ल्ड वर्चुअल वर्ल्ड ऑफ थाट्स एंड फीलिंग्स प्रेजेंट इन आर माइंड जो हमारे दिमाग में थाट्स चल रहे हैं जो हमारे फीलिंग्स चल रहे हैं उसको पोइट कनेक्ट करता है अलॉन्ग विद द वर्ल्ड ऑफ स्पिरिट स्पिरिट से कनेक्ट करता है पर दिस इज सो बिकॉज ही वॉन्ट्स टू शो वो दिखाना चाहता है दैट स्पिरिट्स आर नथिंग वो कुछ नहीं है वो हमारे लिए हार्मलेस हैं दे आर बट और इमेजिनेशन एंड एज सच दे नो हार्म हमें किसी भी तरह से वो हार्म नहीं करती हैं सो स्पिरिट जो है वो किसी भी तरह से वो ये नहीं कह रही कि वो एग्जिस्ट नहीं करती हैं वो हमें हार्म नहीं करती हैं सो दिस टा कैन बी कॉल्ड एन एग्जाम्पल ऑफ मेटाफिज़िकल पोइट्री वेर इमेजिनेशन मेटाफिज़िकल पोइट्री क्या होती है जहाँ पर हमारी इमेजिनेशन इज कनेक्टेड टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड हमारे डिफरेंट एक नेक्स्ट वर्ल्ड में कनेक्ट होती है विच इज़ डन मोस्ट नैचुरली बहुत ही नॉर्मल वे में बहुत ही नेचुरल वे में इसको प्रजेंट किया जाता है सो नाउ मूविंग टू वर्ड्स द फिगर ऑफ स्पीचेज और पोइटिक डिवाइस सो द फर्स्ट इज इंजैबमेंट वॉट इज इंजाबमेंट मेन सेंटेंस कॉन्टीन्यूज टू द नेक्स्ट लाइन विदाउट द यूज ऑफ एनी पंक्चुएशन मार्क एट द एंड ऑफ द लाइन आखिरी में ना फुल स्टॉप है ना कॉमा है तो उसको हम लोग इंजैबमेंट बोलते हैं सो so ये कई जगह पूरे सेंटेंस में पूरी पोएम में कई जगह ऐसा शो हुआ है फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट लाइन ही देख लीजिए लिव्ड एंड डाइड आर हॉन्टेड हाउसेज सो फर्स्ट लाइन में ही हम देख सकते हैं कि वहाँ पे इंजैमेंट है नेक्स्ट आता है सिमिली सो वॉट इज सिमिली सिमिली इज कम्पेरिजन बिटवीन टू थिंग्स विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स एज और लाइक कई बार हम लोग जब कंपेयर करते हैं टू डिसिमिलर चीज को विद द हेल्प ऑफ वर्ड एज और लाइक तो उसको हम सिमिली कहते हैं फॉर एग्जाम्पल एज साइलेंट एज द पिक्चर्स ऑन द वॉल राइट सो द स्पिरिट वर्ल्ड अराउंड दिस वर्ल्ड ऑफ सेंस यहाँ पे बोला गया है फ्लोट्स लाइक एन एटमोसफेयर सो यहाँ पे लाइक like है पहले देखा था एज है तो ये यह यहाँ पे सिमिली यूज हुए हैं नाउ मेटाफर सो वॉट इज मेटाफर मेटाफर इज इन डायरेक्ट कंपेरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स विदाउट द यूज़ ऑफ वर्ड एज और लाइक जैसे हम लोग सिमिली में एज और लाइक यूज़ करते हैं मेटाफर में हम लोग एज और लाइक नहीं यूज कर सकते करते हैं सो दिस परपेचुअल जार ऑफ अर्थली वॉन्ट्स एंड एस्पिरेशंस हाई यहाँ पे ये यह जो है ये मेटोफर uh, हुआ है सो हेयर द परपेचुअल जॉर इज यूज टू डिनोट द इमोटल सोल कंपेयर कर रहे हैं लेकिन हमने एज ऑ लाइक यूज नहीं किया सो फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ स्पिरट्स दैर डिसेंड्स अ ब्रिज ऑफ लाइट सो ब्रिज ऑफ लाइट विच इज कनेक्टिंग विध दिस सो हेयर अगेन जो ब्रिज है ब्रिज ऑफ लाइट है उसको हमने कंपेयर uh, किया है द्रिज ऑफ लाइट इज मिस्टीरियस ब्रिज Which connects the human world and the ghostly world. So, here metaphor is used. Next is personification. What is personification? When a human quality is attributed to a non human or सम ऑब्जेक्ट किसी नॉन ह्यूमन या किसी ऑब्जेक्ट में जब हम ह्यूमन लाइक क्वालिटीज़ देते हैं तो उसको हम पोसोनिफिकेशन कहते हैं लाइक एज द मून फ्राम सम डार्क गेट ऑफ क्लाउड थ्रोज ओवर द सी अ फ्लोटिंग ब्रिज ऑफ लाइट सो यहाँ पर ये जो लाइन है यहाँ पे पोसोनिफिकेशन uh, यूज हुआ है सो द एक्ट ऑफ थ्रोइंग जो शो कर रहे हैं ह्यूमन जी तो थ्रो करते हैं सो इट पोसोनिफाइज द मून यहाँ पे मून को पोसोनीफाई किया है नेक्स्ट इज एलिट्रेशन सो वॉट इज एलिट्रेशन द रेपिटेशन ऑफ अ कॉन्सनेंट साउंड कोई भी वर्ड बार बार रिपीट होता है एट द स्टार्ट ऑफ वन और टू कॉन्जिकटिव वर्ड्स कोई भी एक लाइन में कोई वर्ड्स बार बार रिपीट होते हैं फर्स्ट वर्ड जब रिपीट होते हैं जैसे हॉन्टेड हाउसेस एच एच हॉन्टेड का भी पहला वर्ड एच है हाउसेस का भी है तो यहाँ uh, पे एलिट्रेशन है लिटिल लाइव्स वो भी एलिट्रेशन है नेक्स्ट इज एनाफोरा वेन टू और मोर कॉन्जिक्यूटिव लाइन्स स्टार्ट विद द सेम वर्ड तो उसको हम एनाफोरा बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेंजर एट माई फायर साइड के नॉट सी द फॉर्म्स आई सी नॉट हेअर द साउंड आई ह्योर नेक्स्ट इज एंटी थीसिस वेन ऑपोजिट वर्ड्स आर क्लोजली प्लेस्ड उसको एंटी बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल लिव्ड एंड डाइड कम and go to and fro so this is antithesis i hope this poem is quite clear to you if you have any doubts uh, you can ask me in the comment section i'll try to answer all your doubts but please 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 don't 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 forget to like share and subscribe to this channel it's your channel i need your support for more such videos thank you so much bye bye and share it with your friends also Bye.